So whole numbers are 0, 1, 2, 3 and so on. तो अभी addition की बात करते हैं कि दो whole numbers को अगर मैं add करूँ, a plus b is equal to c. a is a whole number, b is a whole number, तो क्या c मेरा ये भी whole number होगा? Yes, it will be. क्यों? क्योंकि a जो है वो क्या होगा? 0, 1, 2, 3 इनमें से कुछ होगा, यानि कि a क्या होगा? Greater than or equal to 0. b क्या होगा? वो भी greater than or equal to 0. और जब दो 0 या 0 से बड़ी values को मैं add करूँ, तो जो answer आएगा c, वो भी greater than or equal to 0 होगा, यानि कि वो whole number ही होगा. So we should say कि ये भी closed है over addition. अब subtraction की बात करते हैं, तो इसको मैं quickly बताता हूँ. It is not, जैसे हमने natural number में किया था, 1 में से अगर मैं 2 को minus करूँ, तो answer आएगा minus 1, which is not a whole number. So we should say no. Multiplication, again yes. कैसे? मैं a into b कर रहा हूँ, तो a जो है, a क्या है? A is greater than or equal to 0. B क्या है? वो भी greater than or equal to 0, क्योंकि ये भी एक whole number है, इनमें से कुछ होगा. ये भी एक whole number है, इनमें से कुछ होगा. और जब मैं multiply करूँगा, तो answer भी क्या आएगा? Answer क्या आएगा? C, which should be greater than or equal to 0. क्योंकि अगर A 0 है, B कुछ भी हो, it will be 0. और अगर दोनों A और B greater than 0 है, तो C भी greater than 0 होगा, यानि कि इसी list में से कोई एक number होगा. So that's why this is also green. Similarly, division is not closed. तो division आप आराम से देख सकते हो कि जैसे, again मैं same example लेता हूँ, 2 is in this list, 4 भी इस लिस्ट में से एक है, अगेन इसको डिवाइड करते तो आंसर आता है 1/2, which is 0.5, और वो इस लिस्ट में नहीं है. So we should say ये division भी closed नहीं है, क्योंकि अगर एक whole number को दूसरे whole number से डिवाइड करें, तो हमेशा जरूरी नहीं है कि हमारे पास whole number ही आए. Right? Now let's talk about integers. तो integers के लिए मैं आपको quickly बताता हूँ. Right? तो integers क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 and so on, and minus 1, minus 2, minus 3 and so on. Right? अब अगर मैं दो integers को add करूँ, तो दो integers को add करूँ, तो answer भी मेरा क्या होगा? Integer ही होगा. See, a plus b मैं जब करने जा रहा हूँ, तो a या तो 0 होगा, या greater than 0 होगा, या less than 0 होगा, है ना? और b भी या 0 होगा, या greater than 0 होगा, या less than 0 होगा. और दोनों को add जब करूंगा, तो answer भी या 0 होगा, या 0 से बड़ा होगा, या 0 से कम होगा, लेकिन होगा तो इसी list में. So this is also closed for addition. अब अगर मैं subtraction की बात करूं, a minus b, तो a minus b is also closed for integers. कैसे? अब a क्या है? अगर मान लो a मेरा 0 से बड़ा है और b भी 0 से बड़ा है, right? लेकिन a जो है वो b से भी बड़ा है, तो overall answer मेरा क्या आएगा? Positive. Positive होगा तो इसका मतलब वो यहाँ आ गया, क्योंकि a जो है वो b से बड़ा है, तो वो plus वाली list में आ गया, है ना? अगर दोनों 0 हैं, तो answer 0 आ गया. अगर दोनों बराबर हैं, तो answer 0 आ गया. और अगर a जो है वो b से छोटा है, तो a minus b इधर आ गया, नेगेटिव में आ गया. लेकिन इन एनी केस a minus b की वैल्यू हमेशा इसी लिस्ट में लाई करेगी. चलिए इसको और भी आसानी से समझते हैं. अगर तो a b के बराबर है, तो a minus b क्या होगा? 0, वो इस लिस्ट में है. अगर a b से बड़ा है, तो a minus b क्या आ जाएगा? प्लस पॉजिटिव का, वो इस लिस्ट में आ जाएगा. और अगर a b से छोटा है, तो a minus b जो है वो क्या आ जाएगा? नेगेटिव, नेगेटिव इस साइड आ जाएगा. इन एनी केस वो इंटीजर की लिस्ट में ही फॉल करेगा. सो दैट्स व्हाई इंटीजर्स आर क्लोज्ड फॉर सबट्रैक्शन एज वेल. अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की. मल्टीप्लिकेशन के लिए भी मैं अब आपके लिए छोड़ देता हूं कि मल्टीप्लिकेशन में भी दिस इज ट्रू, और डिवीजन के लिए दिस इज अगेन नॉट ट्रू. इट इज नॉट क्लोज्ड फॉर डिवीजन.
तो ये दोनों चीज़ें आप खुद सॉल्व करके देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की।